असली टीवी पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं हूं सत्यम और मैं चुनावी रंग रूप आप तक पहुंचा रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं, जो माहौल चुनाव की वजह से अभी ग्रामीण क्षेत्र का बदला हुआ है, उन सभी चीजों की जानकारी आपको दिखा रहा हूं। मैं अभी मौजूद हूँ सालपुर पंचायत में, यहाँ हमारे साथ यहाँ चुनाव में मुखिया उम्मीदवार पिंकी देवी जी हैं। ये हमें बताएंगी कि किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रही हैं, कैसा चल रहा है जनसंपर्क अभियान, क्या माहौल है चुनाव का पूरे पंचायत क्षेत्र में। तो इन सभी बातों पर, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किन किन चीज़ों की जरूरत है इनके पंचायत में। पिछला कार्यकाल जो मुखिया अभी हैं उनका कैसा रहा और सभी ग्राम की जो भी जानकारी है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे, इन सभी चीज़ों पर बातें करेंगे। सबसे पहले पिंकी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। आप चूंकि चुनाव लड़ रही हैं, आपने चुनाव लड़ा था, आपका पिछला साल भी आपने जनसंपर्क अभियान किया होगा, जनता से मिले होंगे आप, इस बार भी फिर से आप चुनाव में प्रचार प्रसार कर रही हैं, क्या लग रहा है आपको पिछले बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में रंग रूप में माहौल में किन किन चीज़ों में बदलाव आया है, क्या लग रहा है आपको, किन मुद्दों पर आप वोट मांगने जनता के पास जाएंगे, क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? विकास करेंगे, उसके बाद शिक्षा के प्रति जागरूक होंगी, घर जल नल योजना जहाँ जहाँ है वहाँ मैं घर घर पहुँचाऊँगी। चूँकि आप महिला हैं और महिला सशक्तिकरण की समाज में बहुत ज़रूरत है, महिलाओं को सुदृढ़ बनाने की, मजबूत बनाने की भी जरूरत है, महिलाओं के लिए आप क्या सोच रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर कोई अन्य योजना, किस क्षेत्र में आप महिलाओं को मजबूत बनाना चाहेंगी, महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए हम यही चाहूँगी कि महिला शिक्षित हो, बच्चा हर जगह पढ़ने लिखने जाए, बच्चा जब पढ़े लिखेगा तभी शिक्षित बनेगा और महिला भी जागरूक। ये बताइए, आप प्रचार में घूम रही हैं, हर एक जनता से मिल रही हैं, गांव में क्या स्थिति है, क्या हाल है, कैसा माहौल है, इन सभी चीज़ों से आप अवगत हैं? इंदिरा आवास योजना, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से आप जानते हैं हम लोग, इस योजना में हर एक पंचायत में अजीब लूट की शोर मचा हुआ है, क्या आपके पंचायत क्षेत्र का भी यही हाल है? और यदि आप पर जनता भरोसा करती है, आपको विजयी बनाती है, तो इस चीज़ में आप क्या सुधार करेंगे? सबसे पहले मैं यही कहूँगा जनता, मेरा चुनाव चिन्ह कमर दबाद है, जो मैं जनता से अनुरोध करती हूँ कि अगर मैं मुखिया बन गई, मैं इस चुनाव इंदिरा आवास और यह कहीं कोई भी समस्या हो उसके लिए मैं हर समय अपने जगह उपस्थित रहूँगा। और जो जनता को निवेदन है कि अगर मुझे बना दी, मैं हर जगह जगह पे जो चीज़ कमियाँ होगी उसको मैं पूरा करूँगी। जगह जगह पे जो भी कमियाँ होंगी उसको आप पूरा करेंगे, और भी जो भी समस्याएं होंगी, आप ये बताइए पिंकी जी, क्योंकि जो पुराने मुखिया थे, जो भी नहीं वर्तमान मुखिया हैं आपके पंचायत के, जनता उनको ना वोट देकर आपको क्यों वोट देगी? आप जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये सभी प्रत्याशी करते हैं, पर आप ऐसा क्या विशेष करेंगे अपने समाज के लिए, अपने जनता के लिए, जो जनता आपको ही चुने? मैं शिक्षित हूँ और मैं जनता हर समय मेरे दरवाजे पे, ऐसा कोई नहीं है व्यक्ति जो हर सुख दुख में मैं साथ देती हूँ, मुखिया रहे या ना रहे, फिर भी मैं जनता के प्रति अनुरोध करती हूँ। सुख दुख में आप साथ देंगे। एक और बात जो अहम सवाल है, कैसा लगा आपको पुराने मुखिया का कार्यकाल, जो पुराने मुखिया नहीं वर्तमान मुखिया हैं आपके, उनको आप 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे, उनके विकास कार्यों को देखकर, उनके जनता के बीच समर्पण और उनके स्वभाव को देखकर 10 में से आप कितना अंक देना चाहेंगे? मुश्किल से 4 या 5 भी दे रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ जगह जगह ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया पूर्ण रूप से जो अच्छा लगे किसी को, जनता को भी नहीं, हमको लग रहा है कि अच्छा लगता हो। एक समस्या पंचायत में और आती है बिचौलियों की, जब कोई इंसान मुखिया बनता है तो आम जनता और मुखिया के बीच दूरी बढ़ जाती है, वहाँ पर पुल का काम करते हैं बिचौलिए, और बिचौलिए अपना पेट पॉकेट भरते हैं, इन सभी चीज़ों में वो कमीशन खाते हैं, कोई फॉर्म भरवाने के नाम पे, किसी योजना का लाभ दिलवाने के नाम पे, और ये हर एक पंचायत में होते ही हैं, इन चीज़ों से नकारा नहीं जा सकता। तो क्या लगता है आपको, जो दरबार आपका भी हर एक जनता के लिए खुला हुआ है, मुखिया बनने के बाद ये सिर्फ बिचौलियों के लिए खुला रहेगा या फिर बिचौलियों को आप साफ करेंगी और जनता को आने जाने का रास्ता बनेगा? नहीं नहीं, बिचौलियों को मैं दूरी बनाकर ही रखूंगी, और मैं हर एक जनता से अपील करती हूँ जिस जगह समय जहाँ पंचायत भवन हर कार्य का समर्पण करूँगी, सड़क नाला बिजली पानी कोई भी सुख दुख का आवाज सिर्फ पंचायत में ही होना चाहिए, कहीं बाहर चोरिया से कोई कम सिर्फ मेरे साथ ही संपर्क करें, महिला रहे या जेंट्स कोई दिक्कत नहीं।
हर समय हम लोग चाहेंगे कि मेरे साथ सुख दुख में वो मेरे पास ही रहे। बिचौलियों का पत्थरा साफ करेंगे, पिंकी देवी ने ऐसा वादा किया। हमारे साथ पिंकी देवी के कुछ समर्थक हैं, इनके प्रतिनिधि भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, इनके समर्थकों से जानेंगे कि आखिर क्या विशेष वो इनमें देख रहे हैं जो इनको अपना वोट देंगे, इनको जिताएंगे और विजयी बनाएंगे। हम उन समर्थकों से भी बात कर आपको दिखाते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है। ग्राम पंचायत सालपुर से मुखिया उम्मीदवार पिंकी देवी से बात की है। अभी हमारे साथ संजय जी हैं और ये हमें बताएंगे कि किस प्रकार से जनसंपर्क अभियान चल रहा है, कैसा है जनता का मूड, क्या बदला है पिछले 5 साल में इस पूरे क्षेत्र में, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है शिल्पी जी। शिल्पी जी का मैं भी स्वागत करता हूँ। मेरा नाम संजय कुमार हुआ। मैं पिंकी देवी के साथ पूरे चारों गांव में घूमता हूँ, तो मुझे समझ में जो आ रहा है मैं बताता हूँ। तो ऐसा है कि जो जनता का रुझान है, जनता का जो अभी रुझान मेरे पिंकी देवी के साथ है, वो अपार जन समूह के साथ सब जनता मेरे साथ खड़े हैं और जनता चाह रहा है कि इस बार बदलाव हो। बदलाव होने के बाद ही सब कुल पंचायत का विकास होगा और जो भी परेशानियां हैं वो पिंकी देवी इनको पूरा करने का वादा भी सब कुल पंचायत वासियों से कर रही है। और हमको उम्मीद है कि इस बार बदलाव होगा और बदलाव होने के बाद ऐसा है कि पिंकी देवी पुनः मुखिया बनेगी इस बार, और बनने के बाद सबके साथ रहेगी पिंकी देवी, मतलब 24 घंटा उनके साथ रहेंगे। उनका मैं विशेष क्या बताऊंगा। अभी कैसा माहौल दिख रहा है आपको? आप बता रहे हैं कि जनता का समर्थन आपको मिल रहा है, इस बार जनता बदलाव चाहती है। जनता आपको ही क्यों चाहती है? पुराने प्रत्याशी या फिर जो निवर्तमान मुखिया हैं और भी कई प्रत्याशी, उन सभी को छोड़कर आपको ही क्यों चाहती है? ऐसा क्या विशेष आपने जनता को बता रखा है? ऐसा क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा यही है कि गाँव का जो विकास हुआ, जिस मुद्दे पर पहले मुखिया को वोट दिया गया था, उस पर मुखिया जी अभी तक खड़े नहीं उतरे हैं। और समाज का ये कहना है कि उसके लिए एक अच्छा प्रतिनिधि शिक्षित उम्मीदवार जो हमारे पिंकी देवी में वो सर्वगुण सम्मान, और उस चीज़ को सारे जनता ने समझ लिया कि मैंने अगले बार जो बनाया उसके लिए वो योग्य नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ, जनता का भी यही कहना है कि इस बार पिंकी देवी को वोट दें और पिंकी देवी को मुखिया बनाएं। और उनके बाद एक सबसे पहला मुद्दा रहता है लोग को शिक्षा का, तो पिंकी देवी खुद शिक्षित हैं, तो वो उम्मीद है सब जनता को कि वो खुद शिक्षित होते हुए पूरे समाज को शिक्षित करने में काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, ये प्रत्याशी ने भी हमें बताया। और एक सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे, जब आप पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, जब आप आम जनता से मिलते हैं, आपके क्षेत्र की जनता के घर जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो क्या लगता है आपको पिछले 5 साल में कौन सा ऐसा विकास कार्य था जो हुआ, और क्या रहा पिछले 5 साल का मुखिया का कार्यकाल, कैसा रहा, कहाँ कहाँ विकास कार्य हुआ, कहाँ सड़कें नाले पानी सभी की समस्याओं का इलाज हुआ, क्या ऐसा कुछ आपके पंचायत में पिछले 5 साल में हुआ, या आप भी आपके समाज की जनता इन सभी चीज़ों से वंचित है, सरकारी योजनाओं से वंचित है, क्या स्थिति है, इन सभी चीज़ों का आपका क्या कहना है? जी, हमारे यहाँ हमने अनुसार या जनता के कथन अनुसार नहीं है, सच्चाई है कि पंचायत का विकास के मामले में सालपुर पंचायत में 0 है। लूट के मामले में सबसे आगे है पूरे बोराडी प्रखंड में सालपुर, लूट के मामले में आगे और विकास के मामले में सबसे पीछे है। लूट यानी कि सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर खानापूर्ति या फिर किस प्रकार से किसी ठेका करने में खराब काम करके लूट खसोट, ऐसा कुछ हम बताएं इसको जी। सबसे पहले तो यहाँ के जनता से भी आप रूबरू होना होगा, उन लोगों को जो गाय शेड मिला, गाय शेड में अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, सरकारी योजना से टोटल पेमेंट हो चुका है और आज तक मुखिया जी उनको पेमेंट नहीं करवा पाए हैं। सबसे पहला प्राथमिकता आता है गाय शेड पे। गाय शेड हमारे यहाँ जो भी बना है सालपुर में, एक भी आदमी को पेमेंट नहीं हुआ आज तक। 2-3 साल से गाय शेड बना के सरकारी योजना का जो पेमेंट है वो आ गया है, और वेंडर के नाम पे सिर्फ लूट कर रहा है मेरे यहाँ। मैं ये प्रत्येक जनता से मिल के जिनका बनाया उनसे देख रहा हूँ कैसा जो हो रहा है, कि शायद कहीं कोई पंचायत में होता होगा। पैसा आप मात्र कहने के बाद 50,000 करीब दिया है कुछ आदमियों को, और कुछ को तो आज तक रखे हुआ है फुल पेमेंट। तो ये है भ्रष्टाचार हमारे सालपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया का, और यही रहेगा भी यदि पुनः वो कुछ करता है तो फिर वही रहेगा। ये जनता का पूरा आह्वान है कि इस बार बदलना है, बदल के पिंकी देवी को मुखिया बनाना है, बना के ये सब चीज़ भ्रष्टाचारी मुखिया को हटा के अपना फिर स्वतंत्र पंचायत को चलाना है, ये जनता का आह्वान है हमारे सालपुर पंचायत का। तो मैं यही
कहता हूँ कि इस बार पिंकी देवी को मुखिया बनाइए और इनका जो ये सब जो भ्रष्टाचार ये सब से दूर रहेंगी और ये खुद शिक्षित हैं, उन चीज़ को ये खुद अपने आप से डील करेंगे और कोई भी चोलिया बीच में नहीं रहेगा और ना ही किसी को रहने देंगी, ये इनका अपना सोच। चलिए ये सभी, चलिए जो जंगल की या सड़क नाले की स्थिति है, सागर पंचायत का दौरा हमने आज से 6 महीना पहले किया था और उस दौरान देखा था कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घोटाला है, बहुत ज़्यादा अनियमितता है यहाँ के कार्यों में। इन सभी चीज़ों का आकलन हमने आपको पहले भी दिखाया है और इस वीडियो में भी उस आकलन का, उस ब्यौरा का, उस सभी पूरे एपिसोड का लिंक हम आपको दे देंगे। फिलहाल हम और भी पिंकी देवी के समर्थक हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। आपने बताया गाँव सीट को लेकर पैसा उठ गया, ऐसा बहुत सा देखा जाता है पंचायत में, चुनाव में, चुनाव में इन सभी बातों को उजागर किया जाता है कि काम का पैसा बहुत पहले ही उठ जाता है और काम धरातल पर दिखता ही है। फिर इन सभी मुद्दों पर हम जनता से बात करेंगे, आपके समर्थक से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है ऐसा इस चुनाव में जो जनता बदलाव चाहती है, क्यों अपने जनप्रतिनिधि से जनता तंग आ गई है, कितना आक्रोशित है। इन सभी मुद्दों पर पिंकी देवी के समर्थक से बात करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। ग्राम पंचायत सालपुर में मुखिया उम्मीदवार पिंकी देवी से बात की, उनके प्रतिनिधि से भी बात की और अब बारी है उनके समर्थकों से बात करने की, ये जानने की कि आखिर ऐसे क्या चीज़ हैं, ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको देखकर यहाँ की जनता पिंकी देवी को अपना वोट देगी, पिंकी देवी को अपना मुखिया बनाएगी। सबसे पहले तो आप सभी का, जितने भी जनता है, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पर। चाचा आप बताइए आपका क्या नाम हुआ और आप क्या चाह रहे हैं अपने समाज में, कैसा विकास चाह रहे हैं, राम पुराना कार्यकाल मुखिया कैसा रहा और पिंकी देवी को ही क्यों चाह रहे हैं? मेरा नाम दशरथ कुमार मंडल, मैं सरपुर पंचायत के ग्राम किया के रहने वाला हूँ। हमारे जो नया मुखिया और पुराना मुखिया का जो विषय है और 5 वर्ष के बाद जो मिला है, हमारी समाज सरपुर पंचायत का बहुत लचर व्यवस्था है। जो चीज़ हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं वही है कीचड़, और कीचड़ में कीड़े, मच्छर के अंडे, डेंगू पल रहे हैं उसमें। ठौना जो नला बन गया है वो नला में कीड़े पड़ रहे हैं और कीड़े के करीब में हम लोग, हमारे सालपुर पंचायत ही नहीं, मैं बिहार के हर पंचायत के कुछ गांव भ्रमण करता हूँ, देखता हूँ हर गांव में कीचड़ ही कीचड़। क्या हमारे यही पुराने मुखिया, हम लोग मुखिया इसलिए पूछते हैं कि हमारे गाँव ऐसा रहे? तो पिंकी देवी क्यों, ऐसा क्या मुद्दा है पिंकी देवी के चुनाव में, पिंकी देवी के चुनाव लड़ने का, कि अब पिंकी देवी पर आपको कैसे भरोसा है कि इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी? हमें मुक्ति मिलेगी इसलिए कि हम समाज के व्यक्ति, जो कि हमारे देश, हमारे गांव में गंदगी है, उनसे हम पिंकी देवी से अनुरोध करूँगा कि आपको मैं प्रतिनिधि बना रहा हूँ, आप उनको देखिए, आप हम लोग का समाज में जो गंदगी है, जो हमारे कुमृति है, भ्रष्टाचार है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा, उसको मैं अवगत कराऊंगा, हर नागरिक हम लोग उनके पास जाऊंगा, उनसे अनुरोध करूंगा। और जो हमारे वर्तमान मुखिया है उनसे कुछ होने जाने वाला है नहीं, उनके ऊपर में था लेकिन अब विश्वास हट गया है, क्योंकि वो ग्रामीण के किसी भी व्यक्ति को प्यार से बातें नहीं करता, हमेशा अपना जनता के प्रति खड़ा भी हुआ था। आज हमारे गांव में हर जगह देखिए कीचड़ में है, कोई कीचड़ी है। आज कोरोना का टाइम है, आज 2 वर्ष से जनता त्राही त्राही, इसके बाद हमारे सब गरीब जनता है, यही हमारे प्रतिनिधि का काम है। चलिए कीचड़ है, इन सभी चीज़ों की समस्या है और जनता पर जनता का अब पुराने मुखिया पर भरोसा नहीं है। आप बताइए चाचा कि किन किन समस्याओं से आप वाकिफ हैं, किन किन समस्याओं से आप हमारे दर्शकों को वाकिफ करवाना चाहते हैं, क्या लगता है आपको पिंकी देवी उन सभी समस्याओं से आपको निजात दिलाएंगी? पिंकी देवी पर भरोसा है, हम लोग पहले पुराने जो मुखिया थे उन पर से भरोसा हट गया है, क्योंकि उनको भी हम ही लोग बनाए थे, सब मिलकर बनाए थे, सारा पंचायत का लोग बनाए थे, उनको कहने के बाद वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो राजा शाही जिंदगी जीते हैं और जनता मर रहे हैं। नल जल में भी घोटाला किया उन्होंने, नरेगा में भी घोटाला किया और सबका साथ लिया और अपना विकास किया। आप बताइए चाचा कि पिंकी देवी ही क्यों? हमारा नाम दास है, हम सालपुर पंचायत गांव किया के रहने, हम हरिजन समुदाय से। विशेष बात ऐसा है कि 2 पंचवर्ष, एक नहीं 2, 10 साल उनके साथ रहे और हमने उनका मदद किया, उनको जिताने का काम किया,
लेकिन हमारे साथ ऐसा समस्या आया जो कि वह समस्या शायद सरकार के पास तक पहुंचे तो हल कर पाएगा या नहीं वो तो सरकार ही जाने। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ से चार गांव के अंदर में चारों गांव में हम लोग हरिजन समुदाय के लोग हैं, आपका सालपुर, घिया, रायपुरा और उसके बाद काशी, हम चार गांव में हरिजन का आबादी बहुत अच्छा है और ज़्यादा है। और इन्होंने किया अपने कार्यकाल में कि हम लोगों का जो इंदिरा आवास आने वाला जो फंड होता है वो तो ब्रेक करवा दिया कि यहाँ के हरिजन का सबका पुलिया और किसी का बाकी नहीं है। और अगर यह बात है तो हमारा घर जाके देखा जाए उसमें अगर सुअर बढ़िया से भी रह लेगा तो हम मानेंगे कि अति उत्तम। तो हम लोग आतंक होकर उनसे हटकर हम लोग पिंकी देवी को हम लोग चुने हैं, इस वजह से इनका कार्यकाल जो है ये पूर्वजों से अच्छा रहा है। इनका जो ससुर या ददिया ससुर थे वो लोग राजनीतिक घर में सब दिन काम किया। 17 से मेरे यहाँ एक नंबर बोरिंग हो रहा है और अभी तक सफल नहीं, प्रखंड अनुसार सर पैसे उठ गया, अब मुखिया जी क्या कहने किए हैं, काम बंद है। हम लोगों ने आप मुखिया चुनने का संकल्प किया है कि ये शिक्षित परिवार है, इनका आगे पीछे सब शिक्षित है, कोई तरह का मैंने मतांतर मत भेज दिया, कोई तरह का इसमें भेदभाव नहीं है और शिक्षित परिवार होने के नाते हम लोग चाहते हैं कि इनकी दिन मुखिया मिले और विकास कार्य करें। शिक्षित उम्मीदवार तो हर जनता को अपने क्षेत्र में चुनना चाहिए, उम्मीदवार वैसे ही हो जो शिक्षित हो, जो समाज की समस्याओं को समझे, समाज में कोई विकास कार्य करे और घोटालेबाजी और बिचौलियों इन सभी चीज़ों से अपना हाथ दूर रखे। तो बताओ चाचा, आप बताइए चाचा कि एक शब्द में बताइएगा आखिर क्या समस्या था जो पिछले 5 साल से अब तक खड़ा रह गया और क्या विकास चाहते हैं आप अपने क्षेत्र में? हम लोग चाहता है कि यही बोली बोली हम लोग चाहते हैं कि पिंकी देवी मुखिया बन गए, हम लोगों को बढ़िया से विचार करता है पहले से। अरे जो हमारा पशु सेठ था तो एकदम तो सत्ता से करवा लिया और आज तक पैसा ही नहीं दिया, हम कह रहे हम नहीं बनाएंगे तो कहा कर ले लो भाई माल जाल है आपको हमको नहीं वोट देना लेकिन ले लो, हम कह रहे नए बाग नहीं लगा फिर बना दीजिए अगर हम पैसा नहीं देंगे। हम 10 साल से रंजन पुराना मुखिया लक्ष्मी देवी मुखिया रही उसको हम नहीं चाहते हैं, अब पिंकी देवी को मुखिया बनाना चाहते हैं अपने दिल से। हर एक समुदाय का कहीं ना कहीं साथ है, हर एक लोगों का समर्थन है। सालपुर की जो स्थिति थी ये एक 2-3-4-5 महीने हमने आपको दिखाया था, हमने उन सभी चीज़ों का आंकलन किया था किस प्रकार से घोटालेबाजी, किस प्रकार से विकास कार्य, इन सभी चीज़ों को दिखाया था। ये कोई नई बात नहीं है, ना तो हम ये चीज़ पहली बार जनता के मुँह से सुन रहे हैं, हमने ये चीज़ देखा भी और आप तक पहुँचाया भी है। लगातार ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव का क्या माहौल है, प्रत्याशी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को क्या क्या उम्मीद है अपने नए प्रत्याशियों से, इन सभी चीज़ों पर हम प्रकाश डालते हैं, इन सभी चीज़ों को हम आप तक पहुंचाते हैं। चुनाव का सारा रंग, सारा रंग और सारा रूप पूरे दर्शकों को दिखाते हैं। यदि आप ये वीडियो हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यदि ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।